बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग कॉइंस। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कोकोनट बिस्किट। कोकोनट बिस्किट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कोकोनट पाउडर लिया है हमने हाफ कप हमने पाउडर शुगर लिया है, एक कप हमने मैदे का लिया है, 4 टेबल स्पून हमने ऑयल के लिए हैं, एक हमने अंडा लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। चलिए तो दोस्तों हम कोकोनट बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडे को बाउल में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे 4 टेबल स्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर डाल देंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने पाउडर शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कोकोनट पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देंगे। कोकोनट पाउडर आपको किसी भी बेकरी शॉप से इजीली मिल जाएगा। इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मैदा डाल देंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। हमने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें वैनिला एसेंस डाल देंगे खुशबू के लिए। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी जो हमारे बिस्किट हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसके 2-3 कतरे हम डाल देंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। हमने वैनिला एसेंस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपने वैनिला एसेंस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2-3 कतरे डालने हैं, वरना आपका बैटर कड़वा हो जाएगा। अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा और मैदा डाल देंगे क्योंकि हमारा जो मिक्सर है वो गाढ़ा होना चाहिए। आप अपने हिसाब से मैदा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल दिया है इसमें और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखें जी हमारा बैटर इस तरह से होना चाहिए, ठीक ठीक सा। देखें जी बहुत ज़्यादा ठीक है। अब हम हाथों पे ऑयलिंग करके बिस्किट तैयार कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा उठाएंगे बैटर। देखें जी हमने एक बिस्किट तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारे बिस्किट तैयार कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर कोकोनट पाउडर की कोटिंग कर लेंगे और इसी तरह से सारे बना के प्लेट में रखते जाएंगे। हमने बिस्किट जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे बनाने हैं। जब हम इनको सैंडविच मेकर में बेक करेंगे तो ये खुद फूल जाएंगे। कुछ हमने बिस्किट तैयार कर लिए हैं, दूसरी तरफ हमारे कुछ बिस्किट तैयार हो रहे हैं। अब हम इनको बेक कर लेंगे सैंडविच मेकर में। सबसे पहले हम सैंडविच मेकर पे ऑयल लगा लेंगे। अब हम बिस्किट रख देंगे सैंडविच मेकर में और सैंडविच मेकर को ऑन कर देंगे। हमारी जो है वो ग्रीन लाइट ऑफ हो चुकी है। अब हम सैंडविच मेकर को खोल के इनकी साइड को चेंज कर देंगे। सबकी साइड चेंज कर देंगे। तो ग्रीन लाइट ऑफ हो चुकी है, हमने सैंडविच मेकर को खोल लेना है। अब हम इसे बिस्किट निकालेंगे। हमारे बिस्किट बेक हो चुके हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, कितने मज़ेदार लग रहे हैं। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे बिस्किट। अब हम दूसरी बार भी सैंडविच जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह टेस्टी से मज़ेदार से जो बिस्किट हैं वो रेडी हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाते हैं, आपने बिल्कुल ठंडा होने के बाद इनको खाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल कुकिंग को इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मुझे रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।